press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Assalamualaikum, welcome to my channel technical एम आई। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा अपने किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल के कैमरे से कैप्चर किए गए फोटोज़ पे किसी भी मोबाइल कंपनी के लोगो कैसे स्टैम्प करें। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहें, स्किप ना करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ से शॉर्ट ऑन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, और इस एप्लीकेशन को मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है तो आप लोगों को दिखाने के लिए इसको ओपन कर लेता हूँ। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, और इसके बाद आपको नीचे की तरफ स्टैम्प सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर की तरफ ओरिजिनल फ़ोटो पर टैप करके इसको रिप्लेस सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप नीचे की तरफ लोगो वाले ऑप्शन भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारे ही मोबाइल कंपनीज के लोगो मिल जाएंगे। तो आप लोगों को दिखाने के लिए मैं वन प्लस सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसके बाद आपको नीचे की तरफ फ़ोन वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। तो ऊपर की तरफ आपको आपका प्राइमरी फ़ोन मिल जाएगा, और नीचे की तरफ आपको कस्टम फ़ोन का ऑप्शन मिल जाएगा जहां पर आप किसी भी मॉडल के नेम को टाइप कर सकते हैं। तो आप लोगों को दिखाने के लिए मैं वन प्लस सेवन प्रो टाइप कर लेता हूँ। अगर आप नीचे की तरफ शॉर्ट बाय वाले ऑप्शन में टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको डेट और टाइम का ऑप्शन मिल जाएगा, और ऊपर की तरफ यहाँ पर आप अपना नेम भी टाइप कर सकते हैं, और नीचे की तरफ आपको स्टैम्प पोजिशन का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आप इसकी पोजिशन को सेट कर सकते हैं, और लास्ट में आपको स्टैम्प साइज का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इसके साइज को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो आप लोगों को दिखाने के लिए मैं लार्ज वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूं, और इसके बाद आपको दिखाता हूं ये एप्लीकेशन कैसे काम करता है। अगर आप कैमरा वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल का कैमरा ऑन हो जाएगा। तो आप लोगों को दिखाने के लिए मैं पिक्चर कैप्चर करके भी दिखा देता हूँ, और थोड़ी ही देर वेट करने के बाद आपके पिक्चर के ऊपर वो स्टैम्प हो जाएगा। और जैसा कि पिक्चर ओपन करने के बाद आप नीचे की तरफ चेक कर सकते हैं, यहाँ पर वन प्लस का लोगो स्टैम्प हो चुका है, और नीचे की तरफ आपको डेट और टाइम भी देखने को मिल जाएगा। आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप इस एप्लीकेशन को ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो। इस वीडियो के बारे में कुछ भी सवाल या परेशानी के लिए मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। अगर आप लोगों ने अब तक मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरे आने वाली अंदर वीडियो अब तक पहुँचती रहे। तो भी चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़।